कि आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी मछली है जो ड्रैगन की तरह दिखती है? कि आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ के फोन कंपनी को यह ऑर्डर है कि वो फोन हमेशा वाटरप्रूफ ही बनाएंगे? कि आप उस ऑथर का नाम जानते हैं जिसने अपने मरे हुए पति का दिल अपने पास रखा जब तक वो जिंदा थी? आपने आज तक किसी ट्रक या किसी कार को धक्का मार के स्टार्ट करते हुए देखा होगा, बट क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ था कि ट्रेन को भी धक्का मार के स्टार्ट किया गया था? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा मटेरियल है जिसकी 1 ग्राम की कीमत $25 बिलियन है? हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभ और आप सभी का शुभ फैक्ट्स में स्वागत है। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मछली है जो ड्रैगन की तरह दिखती है? इस मछली का नाम ड्रैगन फिश है और इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होती है। यह मछली बाकी मछली से दो वजह के कारण अलग होती है। पहली बात तो ये गाइस कि एक ड्रैगन की तरह दिखती है, और दूसरी और सबसे खास बात इसमें कि यह अपने अंदर एक लाइट प्रोड्यूस करती है जो कि ब्लू कलर की होती है। यह लाइट अपने प्रे को यानी कि शिकार को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए यूज करती है। साइंटिस्ट कई सालों से इसके ऊपर शोध कर रहे हैं कि इसकी लाइटनिंग के पीछे क्या रहस्य है, बट अभी तक वह इसके रीजंस को नहीं जान पाए कि किस कारण से वह लाइट प्रोड्यूस होती है। यह एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने BBC चैनल से निकाला है। फैक्ट नंबर 20, नोकिया 1100 एंड नोकिया 1110, आप इस फोन के बारे में जानते तो होंगे। यह दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग फोन में से एक है। अगर इनकी यूनिट्स की बात करो तो इनके 250 मिलियन यूनिट्स सेल हो चुके हैं और इन फोन की लॉन्चिंग 2003 और 2004 में हुई थी। और अगर बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की बात की जाए तो उनकी लिस्ट में आईफोन 6 एंड आईफोन 6 प्लस है जिनकी लॉन्चिंग 2014 में हुई थी। अगर इनकी सेलिंग यूनिट की बात की जाए तो इनकी 220 मिलियन यूनिट्स बिक चुके हैं। फैक्ट नंबर 19, जापान एक ऐसा देश है जहां की मोबाइल कंपनियों को ये ऑर्डर है कि वहां के स्मार्टफोन 90 से लेकर 95% तक वाटरप्रूफ होंगे, क्योंकि वहां के लोगों को फोन की कुछ ज्यादा ही आदत लग चुकी है, यानी फोन एडिक्टिव कह सकते हैं उन्हें। वहां के लोग जब वे नहाने भी जाते हैं तब भी वह फोन अपने साथ ही रखते हैं, और इवन वॉशरूम तक, इवन आप ये कह लीजिए कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके हाथ में उनका फोन जरूर होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की कंपनियों को या रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है कि वहाँ की सभी स्मार्टफोन ज्यादातर वाटरप्रूफ हो, और इसी कारण वहाँ की ज्यादातर फोन 90 से लेकर 95% तक वाटरप्रूफ होती है। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि बिल्ली को मीठे चीजों का स्वाद नहीं आता? अगर आप उन्हें कोई भी मीठा चीज देते हैं तो वह उनके लिए बेस्वाद चीज होती है। अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं ह्यूमन बींग्स के टंग के बारे में तो आपको पता होगा कि हमारे टंग में दो पार्ट्स होते हैं, एक तरफ मीठा स्वाद के लिए, दूसरी तरफ खट्टा और कुछ नमकीन के लिए। और सेम ऐसा ही बिल्लियों के टंग में भी होता है, बट उनके जो स्वीट को पहचानने वाली साइड होती है वह कम रिएक्टिव होती है ह्यूमन बींग्स के मुकाबले, और यही कारण रहता है कि उन्हें स्वीट टेस्ट नहीं होता। फैक्ट नंबर 17, फ्रैंकिंस्टाइन एक नोवल है जिसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। इसके ऑथर का नाम सैली कैप्ट है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके ऑथर यानी सैली कैप्ट के बारे में। आप इस घटना को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं और यह सोचने वाले हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में जब सैली कैप्ट के हस्बैंड जिनका नाम परसी बाइसी शैली था, उनकी जब मौत हो गई तो उन्होंने उनके दिल को अपने पास रख लिया। इस घटना के बारे में तब पता लगा जब उनकी मौत हुई। जब लोगों ने इनका ड्रॉर खोल के देखा तो एक कागज में लिपटा हुआ दिल मिला जो कि उनके फाइनल पोएम्स की एक स्क्रिप्ट थी। उसके बाद लोगों को पता लगा कि इन्होंने अपने हस्बैंड की दिल को 30 साल तक अपने पास संभाल के रखा। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता लगा तो वह काफी ज्यादा शॉक हो गए। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि एंट एक ऐसी प्रजाति है जो कभी भी सोती नहीं है? जी हाँ गाइस, कभी भी सोती नहीं है, वह सारा दिन काम करती रहती है। असल में जो वर्कर्स एंट होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक रानी एंट होती है और बाकी सारे वर्कर्स एंट होते हैं, तो वह छोटे छोटे नाइफ
लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे झपकियां लेते हैं, जो कि उनकी झपकियां 1 मिनट की होती हैं, और वह पूरे दिन में 250 बार ऐसी झपकियां लेते हैं। अगर इनको घंटों में गिना जाए तो वह 5 घंटे की होती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो गाइस, कोई ऐसा इंसान या जीव 1-1 मिनट के नैप के बाद पूरा दिन काम करता है, तो वह एक तरीके से ना सोने के बराबर हुआ। अगर हम उसे घंटे के हिसाब से देखें तो वह 5 घंटे की नींद लेती है पूरे दिन में। फैक्ट नंबर 15। सन 2015 में दुनिया के इतिहास में एक अजीब सी घटना हुई। यहाँ पर लोगों ने एक गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट किया। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो लोग उन्हें धक्का मार के ही स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे मैं 4-व्हीलर या ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की। यह घटना 12 जून को 2015 में ग्वालियर के पास रामदास घाटी में हुई, जहाँ पर एक नैरो गेज ट्रेन अचानक से चलते चलते रुक गई। कारण यह था कि नैरो गेज की जो इंजन थी वो गर्म होके रुक गई थी। 1 घंटे रेलवे कर्मचारियों का इंतजार करने के बाद वहाँ के लोगों ने खुद ही ट्रेन को धक्का देकर स्टार्ट कर दिया। यह घटना वहाँ के लिए बहुत ही आम है, लेकिन दुनिया के सामने यह घटना पहली बार आई। अगर मैं आपको नैरो गेज ट्रेन के बारे में बताऊं तो यह ट्रेन बाकी ट्रेन के मुकाबले छोटी होती है, और इनकी पटरियां भी बाकी ट्रेन के मुकाबले छोटी होती हैं, इसलिए इनका नाम नैरो गेज ट्रेन रखा गया है। फैक्ट नंबर 14। आपने आज तक काफी सारे रोड के नाम सुने होंगे, जैसे कि नेहरू रोड, महात्मा गांधी मार्ग और भी बहुत सारे मार्ग। बट जितने भी आपने रोड के नाम सुने होंगे, यह सब इंडिया के होंगे। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक रोड है जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर के नाम पे रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी जिसका नाम वेस्टर्न मेलबर्न सब नर्व है। इस इलाके में ज्यादातर इंडियंस का ही बसेरा है, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर इंडियंस ही रहते हैं, और उन लोगों ने अपने क्रिकेट के प्रति प्यार को दिखाते हुए वहाँ के 2 रोड्स का नाम कोहली रोड्स एंड तेंदुलकर रोड रख दिया है। फैक्ट नंबर 13। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्कूल जाने से डर लगता था या डर लगता है? तो क्या आप जानते हैं कि उस डर का, यानी कि स्कूल जाने के डर का नाम क्या है? तो उस डर का नाम डिडास्कोलिनोफोबिया है। फैक्ट नंबर 12। ईस्टर्न चाइना में एक सिटी जिसका नाम युबू है, वहाँ के एक रेस्टोरेंट को एक कपल चलाते हैं। वहाँ जो भी कस्टमर विजिट करता है वो सारे कंफ्यूज रहते हैं कि वह जो कपल है वो सारा दिन रात काम करते रहते हैं, फिर भी वो थकते नहीं है। कई लोगों ने इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की बट नाकामयाब रहे। लेकिन जब लोगों को इसके पीछे का रीजन पता लगा तो वह काफी ज्यादा हैरान भी हुए और खुश भी हुए। इसके पीछे का रीजन यह था गाइस कि उस रेस्टोरेंट को चलाने में 2 कपल्स एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और दोनों कपल्स एक दूसरे की हूबहू कॉपी थे, यानी कि ट्विंस थे। असल में हुआ यह था कि 2 ट्विंस ब्रदर ने 2 ट्विंस सिस्टर से शादी करी थी, और वह दोनों ही कपल्स मिलके उस रेस्टोरेंट को चलाने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, और वहाँ के लोगों को लगता था कि वह एक ही कपल सारा दिन काम करते रहते हैं, और इवन रात को भी वो दोनों ही कपल काम करते हैं और वे थकते नहीं हैं। इसी बात से परेशान होकर लोगों ने उनके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नाकामयाब रहे। फैक्ट नंबर 11। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी व्हीकल्स होते हैं वह या तो पेट्रोल पे चलते हैं या तो डीजल पर, बट क्या आपको पता है कि ब्राजील की 92% गाड़ियां इथेनॉल पे चलती हैं। अगर मैं आपको इथेनॉल के बारे में बताऊं तो यह फ्यूल शुगर केन की मदद से प्रोड्यूस होता है, तो आप कह सकते हैं कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होता और घर में ही इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। और वहाँ की सरकार ने वहाँ की कंपनियों को यह ऑर्डर कर रखा है कि आप जो भी इंजन बनाएंगे वह सभी इथेनॉल पे वेस्ट होंगे, इससे प्रदूषण भी कम होगा और इकोनॉमी भी अपने कंट्री के अंदर ही रहेगी। फैक्ट नंबर 10। आपने आज तक लोगों को काफी अजीब अजीब तरीके से कपड़े पहनते हुए देखे होंगे, बट क्या आप जानते हैं कि एक सिंगर जिनका नाम लेडी गागा है, उन्होंने प्योर मीट का ड्रेस पहन के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड के शो में गई थी। ये सब बस फैशन के जलवे हैं और कुछ नहीं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
फैक्ट नंबर 9, यह दुनिया के इतिहास में एक शर्मनाक घटना है। यह घटना 2010 में टोक्यो में हुई, जहां पर वहां के ऑफिशियल जब एक बुजुर्ग जिनकी एज 111 साल हुई, तो वह वहां के सबसे बुजुर्ग इंसान बन गए और वहां के ऑफिशियल उनके इस बर्थडे पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहां पर गए। जब वह ऑफिशियल्स उनके घर पे पहुंचे तो उन्हें पता लगता है कि उस इंसान की मौत तो 30 साल पहले ही हो गई थी। उसकी जो फैमिली थी पेंशन खाने के लिए उसे जिंदा रखा था और उसकी बॉडी को घर में ही रखा हुआ था। जब ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता लगता है तो वह उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल की दुनिया को क्या हो गया है। पैसों के लिए लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं और पैसों के लिए ही एक दूसरे को जिंदा रख रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, बुगाटी वेरोन। ये आप लोगों में से किसी की ड्रीम कार होगी, कोई इसे अचीव करना चाहता है इन फ्यूचर। अगर मैं इसके प्राइस रेट की बात करूँ तो इसका बेस मॉडल 1.7 मिलियन का आता है और इसका टॉप मॉडल $3 मिलियन का। इसका एक नया मॉडल जिसका नाम डीवो हाइपर कार है, उसकी कीमत $5 मिलियन थी और उसको एक ही दिन में बेच दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बट गाइस, मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी ये कार अफोर्ड कर सकते हैं वह इसकी सर्विस को बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। मतलब इसकी सर्विस से लेके इसके टायर तक काफी ज्यादा महंगे आते हैं। बट क्या आपको पता है कि जब बुगाटी वेरोन अपने टॉप स्पीड में चलती है तो इसके 26 गैलन की टंकी सिर्फ 12 मिनट में खत्म कर देती है। अगर आप 26 गैलन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 98.42056 लीटर आता है। और आजकल तो आप जानते ही हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कितना ज्यादा हाई हो रखे हैं। अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल की बात करूं तो उसका प्राइस 72 रुपीज चल रहा है, और वहीं अगर मैं 98.42056 लीटर की बात करूं तो उसका प्राइस बनता है 7086 रुपीज। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप इतने हजार रुपए सिर्फ 12 मिनट में उड़ा दें, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे खरीदें। वरना आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये आपका कितना पॉकेट ढीला करवाने वाली कार है। फैक्ट नंबर 7, आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। गाइस, क्या कभी आपने एंटी मैटर का नाम सुना है? यह दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल है। 7 साल पहले इसकी जो प्राइस थी वो एस्टिमेट थी 25 बिलियन। ये तो थी 7 साल पहले की प्राइस, बट आज की डेट में इसकी प्राइस कुछ ज्यादा हाई जा चुकी है। अभी इसकी जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल भी लगाई नहीं जा सकती कि ये कितना ज्यादा महंगा है। गाइस, ये एंटी मैटर मैटर के उल्टा होता है, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं नॉर्मल मटेरियल में, इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यह मटेरियल इतना ज्यादा खतरनाक भी है कि अगर इसके 1 ग्राम को हम यूज करें एज अ बॉम्ब, तो ये पूरी न्यूयॉर्क सिटी को उड़ा देगा। यानी कि इसके 1 ग्राम से न्यूयॉर्क सिटी खत्म। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये महंगा होने के साथ साथ कितना ज्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 6, आप सभी लोग ट्रेन के लेट होने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि हमारी ये जो इंडिया की ट्रेन्स हैं वो पंक्चुअल क्यों नहीं है, यानी कि हमेशा वो टाइम पर क्यों नहीं आते, जिसकी वजह से हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ की ट्रेन सिर्फ 18 सेकंड ही डिले रहती है, यानी कि 18 सेकंड ही लेट चलती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा देश है जहाँ की ट्रेन 18 सेकंड डिले चलती है, तो गाइस ये जापान की ट्रेन है। वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की हर चीज अपने टाइम अनुसार ही चलती है। फैक्ट नंबर 5, आपने आज तक कई महंगी महंगी नंबर प्लेट्स देखी होंगी, जैसे कि 0001 और भी बहुत सारे नंबर प्लेट्स। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि इन सबकी प्राइस रेट कितने ज्यादा हाई जाते हैं, कईयों की प्राइस रेट लाखों में चल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट कौन सा है? तो गाइस, दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट का नंबर 1 है, यानी गाइस जिस नंबर प्लेट पे 1 नंबर लिखा होता है वह दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट है। और इसे एक दुबई के बिजनेसमैन सैयद अब्दुल गफूर खोरी ने खरीदा था, जिसका प्राइस $14.3 मिलियन था। तो आप सोच सकते हैं गाइस कि ये कितना ज्यादा महंगा प्लेट नंबर है, या कह लीजिए गाड़ी नंबर है। फैक्ट नंबर 4,
क्या आप जानते हैं कि अगर एक फीमेल मछली अपने लवर को हारते हुए देख ले तो वह उसमें से इंटरेस्ट खो देती है, यानी कि उसे छोड़ देती है। उसके बाद वह किसी और को अपना लवर बना लेती है। तो इसलिए ज्यादातर मछलियां ट्राई करते हैं कि अपने लवर के सामने वह ना हारे। अगर वो कुछ ऐसा होता है तो उनके लवर उनमें इंटरेस्ट खो देते हैं। फैक्ट नंबर 3, साउथ कोरिया। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे तानाशाह का रूल चलता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि यहाँ की शादी में गेस्ट को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पे फेक गेस्ट के बहुत सारी एजेंसीज हैं जो फेक गेस्ट प्रोवाइड करती है शादियों में, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि जितनी ज्यादा गेस्ट हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है शादियों में। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा एनिमल है जिसके खून का कोई भी कलर नहीं होता? जी हाँ गाइस, कलरलेस ब्लड। उस एनिमल का नाम ग्रास हॉपर है। इसे एनिमल में नहीं बल्कि इंसेक्ट में कहना ज्यादा ही बेटर रहेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारे खून का रंग लाल होता है उसमें एक पिगमेंट का रोल होता है। अगर वो पिगमेंट हमारे शरीर से निकल जाए तो हमारा खून भी लाल नहीं रहेगा, और कुछ ऐसा ही होता है ग्रास हॉपर में भी। उसके अंदर वो पिगमेंट नहीं पाया जाता है जिस कारण उसका खून लाल ना होकर किसी भी कलर का भी नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रास हॉपर को जब भी हम मारते हैं या उसकी बॉडी को कट करते हैं तो उसमें कुछ हरे से कलर या किसी और भी कलर का खून निकलता है। तो गाइस, उसके पीछे का रीजन यह है कि जब ग्रास हॉपर ने कुछ खाया होता है या किसी पेड़ की टहनी खाई होती है तो कई बार उसी कलर का उसका खून हो जाता है, तो कई बार हमें वही कलर देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 1, जब हमारे इंडिया में किसी भी बॉडी पार्ट को डोनेट करना होता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, और आप जानते ही होंगे कि इस डोनेशन के लिए एम्बुलेंस का यूज किया जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर एम्बुलेंस का यूज ना करके लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर फास्ट कार का यूज किया जाता है ऑर्गन डोनेशन के लिए? ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है तो एक घंटे में पहुंचने वाली चीज मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच जाती है, और वहां पर तो ग्रीन कॉरिडोर के साथ साथ सुपर कार्स का यूज किया जाता है, और आप लोग जानते ही होंगे कि इनकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहां पर यूज होता है, तो गाइस ये इटालियन में यूज होता है। वहां की पुलिस लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर फास्ट कार का ऑर्गन डोनेशन के लिए यूज करते हैं। तो आप लोगों के आज के फैक्ट जानकर कैसे लगे? अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और आपको कोई भी पॉइंट पसंद ना आया हो या कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और आप हमें डिसलाइक करके भी अपनी नापसंद जाहिर कर सकते हैं, बट प्लीज कुछ करिए जरूर। आप सभी लोगों का देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।